Hi, I'm Mary Kom. You're watching Expo India. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पौश इलाके हजरतगंज में कर्नाटक कैडर के IAS का शव मिला है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। IAS अनुराग तिवारी का शव मीराबाई गेस्ट हाउस के बाहर मिला है। अनुराग तिवारी बहराइच के रहने वाले थे और वे 2007 बैच के IAS अधिकारी थे। अनुराग बेंगलोर में फूड और सिविल सप्लाई के कमिश्नर पद पर तैनात थे। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके फोन कॉल वगैरह की जांच की जा रही है, साथ ही उनके छुट्टी पर चोट के निशान और नाक से खून भी बह रहा था। वहीं करीबियों ने बताया कि पत्नी के साथ अनुराग तिवारी के संबंध अच्छे नहीं थे। वे अपनी ट्रेनिंग के बाद अपने बैच के अधिकारी के रूम पर ठहरे हुए थे और जब वे निकले थे तो उनका मोबाइल भी गेस्ट हाउस के रूम में ही था। प्रथम दृष्टया अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक कि पोस्टमार्टम न हो जाए। अभी सिर्फ ये है, केवल चेहरे पर चोट लगी है। अभी कुछ भी कहना अपरिपक्व निर्णय होगा। हमको सुबह जो TV के माध्यम से पता चला कि जो है ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कि हम लोग बिलीव नहीं करते क्योंकि ये सौर शाश्वत त्रिपाठी भी है वहीं से, तो हम लोग उनके चक्कर में थे। यहाँ आने के बाद पता चला, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पर आए हुए हैं लखनऊ में। बाद में जब हमने फोन किया था, फोन से पता चला कि यहाँ ऐसा घटना हुआ है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।